हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और टैग के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी एचटीएमएल की सीरीज चल रही है। अगर आपने एचटीएमएल की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक हमने एचटीएमएल के बहुत इंटरेस्टेड जो टैग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, उनका एग्जाम्पल करके भी देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम एक और टैग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है ब्लॉक कोड। और ये ब्लॉक कोड नाम का जो टैग होता है ये हम क्यों यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे वेबसाइट का कंटेंट यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र को हम बताते हैं कि हमने ये कंटेंट किस वेबसाइट से उठाया है। तो चलिए मैं इसका आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये होता है इसका सिंटैक्स, यहाँ पर एक इसका ओपनिंग टैग होता है और एक यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग होता है, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है साइट। इस एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का या उस रिसोर्स का हम यहाँ पर पूरा यूआरएल बताते हैं कि हमने ये कंटेंट कहाँ से उठाया है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, विकिपीडिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है इसका टाइटल, सॉरी हेडिंग, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर आइएगा और यहाँ से इसके पाथ को कॉपी कर लीजिएगा। तो कॉपी करिएगा इसके पाथ को और यहाँ पर इसको एक बार सेव कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिएगा। और पेस्ट करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट यानी कि जो पूरा पैराग्राफ है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम अपने एडिटर के अंदर आते हैं और यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं। और इस पैराग्राफ के अंदर हमें करना क्या है, उस टेक्स्ट को यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, और यहाँ से इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। मैं फोन को आई होप कि यहाँ तक अब आपको क्लियर आ गया हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पर दूसरे वेबसाइट से हमने क्या किया है, कॉपी किया है और अपनी वेब पेज के अंदर इसको यूज किया है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा ब्राउज़र है उसको बताना है हमें कि हमने ये कंटेंट कहाँ से उठाया। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें एक टैग यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर हम बोलते हैं उसको ब्लॉक कोड टैग। और इसके जो यहाँ पर क्लोजिंग है टैग, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसको लास्ट में जो पैराग्राफ जहाँ पर आपका क्लोज हो रहा है वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। यानी कि जो आपको जो भी टेक्स्ट या जो भी आप कॉपी कर रहे हो उसको ब्लॉक कोड के टैग के अंदर रखना है, और यहाँ पर आपको साइट जो इसका एट्रीब्यूट होता है उसको यहाँ पर यूज करना है। अब इस साइट एट्रीब्यूट में करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ से इसके पूरे यूआरएल को आप यहाँ पर कॉपी करोगे। यहाँ से देखिए हम इसके जो जहाँ से आपने इसको इसका टेक्स्ट लिया है, तो यहाँ से हम इसका पूरा यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, और यूआरएल को कॉपी करने के बाद, आप यहाँ पर साइट की जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है इसमें इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम फिर से आते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर देखे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश कर दिया है, लेकिन फ्रेंड जब हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें कहीं पर भी रिजल्ट इसका नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो साइट के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट लिया है ये केवल ब्राउजर को बताने के लिए लिया है, ये इससे यूजर का कोई भी लेना देना नहीं है। केवल ब्राउजर ही इसको चेक कर सकता है कि अच्छा ये जो टेक्स्ट यहाँ पर यूज हुआ है ये इस नाम की वेबसाइट से लिया गया है। तो आई होप कि ये टॉपिक, ये टैग आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर इस टैग से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।